उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत आह्लादित एवं उत्साहित हैं। मैं यहां उपस्थित जनवृंद से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে সকলোকে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अपने समक्ष अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से यहां पे उपस्थित महानुभावों का जोश, हर्ष और खुशी कई गुना बढ़ गई है। मैं उपस्थित समूह व्यक्ति के उत्साहपूर्वक करतालीरे माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणि जनाबलै अनुरोध जनाइछो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से सारा जनमानस ऊर्जा, उत्साह और आनंद से ओतप्रोत हो गया है। यह अनोखा दृश्य अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये गुवाहाटी का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और हाथ हिलाकर लोग जो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं जो हैं, उनकी शुरुआत होनी है। साथ ही साथ मां कामाख्या देवी परियोजना की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। ये लोगों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है और उनके स्वागत से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का असम दौरा, तो खेल बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई जो परियोजनाएं हैं उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तर पूर्व के प्रति उनका विशेष स्नेह, उनका नियमित आगमन और हमारे बीच स्मरणीय समय बिताने से झलकता है। तो प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में असम और पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताते हुए वहां के जो युवा हैं, तो प्रधानमंत्री किस तरह से आज यहां पर जो आध्यात्मिक पर्यटन है उस लिहाज से माँ कामाख्या का जो मंदिर है उसके दिव्य लेन की परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं और उस लिहाज से सरकार का फोकस बेहद मजबूत है पर्यटन को अध्यात्म के लिहाज से मजबूत करना हमारा मार्गदर्शन किया है।
और हमने देखा था कि असम जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर मौजूद थे, वो भी इस वक्त भी हम उनको यहां पर उनके साथ देख रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से असम में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वहां पर जो युवा उत्साह थे, उनका मानना है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के विकास के ध्वज वाहक, हार्दिक अभिवादन अभिनंदन एवं स्वागत करें। प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में असम और पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताते हुए वहां के जो युवा हैं, उत्साहित जो लोग हैं, उनका मानना है कि किस तरह से यहां पर जो विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं वो कैसी नई आर्थिक गति देने वाली है असम को। और ये विभिन्न परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है वो अपने आप में देश राज्य को आर्थिक प्रगति पर लेके जाएंगे। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो मौजूद हैं। विशाल, दृश्य हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग उत्साहित हैं और वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए लालायित, और प्रधानमंत्री भी अभिभूत हैं और हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। विशाल आप हमें सुन पा रहे हैं? तो विशाल वहां पर मौजूद है और उन्होंने जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लोगों से भी बात की थी तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उसी उत्साह के बारे में जिस तरह से एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहां पर मौजूद है और इस तरह के प्यार को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर है। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें असम के साथ साथ पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताया गया। किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर जो एक अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब उन्हें विकास के साथ जोड़कर और साथ ही साथ तमाम जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करती हुई योजनाएं हैं वो इन राज्यों में कैसे आर्थिक प्रगति को बल देंगी, इसका फोकस सरकार के लिए क्रिस्टल क्लियर है। और आज जिस तरह से कामाख्या देवी, जो कि सबसे अहम मंदिरों में शक्तिपीठों में गिना जाता है, वहां पर चार दिव्य, वहां पर जिस तरह से दिव्य परियोजना के जरिए उसका कायाकल्प किया जाएगा, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कैसे अध्यात्म को पर्यटन से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति की तस्वीर बदली जा सकती है, इसका फोकस हमने लगातार सरकार की नीतियों में देखा है। और यह दिव्य परियोजना की आधारशिला आज रखी जानी है, ये उसी का ही एक परिचायक है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, तो उच्च शिक्षा के साथ साथ किफायत और गुणवत्तापूर्ण जब हम स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करते हैं पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, तो ये दौरा उस लिहाज से भी बेहद अहम है प्रधानमंत्री का। और इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि आप
करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে সকলোকে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अपने समक्ष अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से यहां पे उपस्थित महानुभावों का जोश, हर्ष और खुशी कई गुना बढ़ गई है। समूह है जो किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है कि और आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और तालियों की गड़गड़ाहट इस गूंज की परिचायक के प्रति प्रधानमंत्री जो कि असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के हितैषी के रूप में बनकर उभरे हैं। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া উপস্থিত হব আর মানে সকল রাইজক অনুরোধ করি যে রাস্তা থাকা গোটেগুলো আপনার ভিতর আগে যাক সুন্দর সময় এখন আমি উপভোগ করি। देवियों सज्जनों विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के युवाओं के प्रेरणा एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को गामोसा, हौराय, एवं एक पेंटिंग भेंट कर सम्मान और अभिवादन किया जा रहा है। यह पेंटिंग बोटाड्रोबा खटरो को चित्रित करती है जहां असम की सांस्कृतिक चेतना के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था। धन्यवाद। एटिया मैं अहोमर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा देवक आदरणी भाषण प्रदान करिबले अनुरोध जनाइछो। খবর কেনেকুয়া সকলোরে? খবর কেনেকুয়া? 22 তারিখে রাম মন্দির যেতিয়া প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলে, আমি টিভিত কোনে কোনে চাই আছিল, কোনে কোনে চাই আছিল সকলোৱে, তেতিয়া মোৰ লগত একেলগে কব জয় জয় শ্রীরাম।
मजद उपस्थित विश्व सबातुक जनप्रिय नेता उत्तर पूब और प्रकृत हितैषी और सकोरे आदर सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया महामान्य राज्यपाल गोलाम चंद कटारिया डांगरिया भारत सरकार मंत्री आमार सकोरे सम्मान सर्वानंद सोनोवाल डांगरिया भारत सरकार राज्यिक मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰিয়া বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰু ডাঙৰিয়া কাৰ্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰিয়া উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱুলাল গাৰলুছা ডাঙৰিয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰিয়া मोर खेवारथली राइज आई मातृसकल आरु युवक युवती बंधु बान्धवी सकल आजि अहोमर बाबे एटा सोनाली दिन एटा आमी पाहरिब नुवारा नतुन इतिहास रचिब खोजा एटा नतुन खुरुजमुखी दिन एटा दिनत 11,600 कोटी टकार प्रकल्प आमार अहोम मात्रिये लाभ करिसे एया अहोमर इतिहासत आगते केतियाव सम्भव हुआ नासिल श्रद्धा राइज आजि आमि राज्यखनलै एबार उभति साउ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत आलफार शांति चुक्ति बड़ो चुक्ति कार्बी चुक्ति डिमासा चुक्ति आदिबासी शांति चुक्ति আজি আমাৰ অসম মাতৃ বহু বছৰৰ পিছত গুলি বোমা বাৰুদৰ পৰিৱৰ্তে আজি বহু বছৰৰ মূৰত এক শান্তিৰ কপৌ চৰাই আমাৰ অসম মাতৃৰ বুকুলৈ উভতি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে সন্ত্ৰাসবাদ ত্যাগ কৰি আমাৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে অসমবাসী রাইজক মই হিয়ারে অভিনন্দন জনাও যে যোৱা তিনিটা বছর আমার রাজ্যত কোনো ধরনের এটাও আন্দোলনের কার্যসূচী নোহাকৈ আমার রাজ্যখনে আজি বিকাশের নতুন অশ্বমেত যজ্ঞলৈ গতি করেছে আমি আমার প্রজন্মই কেতিয়াও সপোনতে ভবা নাছিলো যে ধলাত ব্রহ্মপুত্রের উপর দলং হব বগীবিলত ব্রহ্মপুত্রের উপর দলং হব নুমলীগড়ের পৰা গহপুরলৈ টানেল হব কলিয়া ভুমরাত আৰু এখন দলং হব শরাইঘাটত আৰু এখন দলং হব গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটীৰ মাজত নতুন দলং হব মাজুলি যোৰহাটৰ মাজত দলং হব মাজুলি লক্ষীমপুৰৰ মাজত দলং হব শুৱালকুছি পলাশবাৰীৰ মাজত দলং হব নাৰেঙ্গী কুৰুৱাৰ মাজত দলং হব ফুলবাৰীৰ ওপৰত দলং হব নৌখনকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে দলং নিৰ্মাণ হৈছে আমাৰ প্ৰজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে অসমত 23খন মেডিকেল কলেজ হব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো কাজিরঙার উপর এলিভেটেড করিডর হব পারে গুয়াহাটীত রিং রোড হব পারে আমার প্রজন্মই কেতিয়াও ভবা নাছিল যে অসমত 17খনকৈ ক্যান্সার হসপিটাল হব পারে আমার প্রজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিল যে অসমত অসম মালার দরে কার্যসূচী রূপায়ণ হব পারে আমার প্রজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিল যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 3,000 কোটি টকাৰে পূৰ্ব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেডিকেল কলেজ অসমত হ'ব পাৰে আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো যে আমাৰ অসমত এইমছ আহিব পাৰে আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চৌদিশে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে
আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু যে রেলর উপর দ্বৈত রেলপথ হব পারে। আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু 20 লাখ দরিদ্র লোকে গৃহ প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা পাব পারে। আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু যে আমি লাখপতি বাইরেও বনাব পারো। আমি কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু, আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু যে 30 লাখ পরিয়ালে অরুণোদয় আসনি পাব পারে। আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু 2,85,00,000 লোকে বিনামূলিয়া চাউল পাব পারে। আমার প্রজন্মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাছিলু যে ঘোষ নিদিয়াকৈ অসমত 1,00,000 সরকারি চাকরি হব পারে। শ্রদ্ধা রাইজ, মাত্র এজন ব্যক্তির অসম প্রেমৰ কারণে আজি অসম মাতৃ উন্নয়ন আর বিকাশের এক নতুন সুচত আজি অবতীর্ণ হয়েছে, আর সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে হল আমার আদরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, যার কারণে আজি আমি এই পর্যায়ত উপনীত হয়েছো। আমি অসমিয়া কৃতজ্ঞ, আমি কৃতজ্ঞ অসমিয়াই প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওসরত আমি অঙ্গীকার করছো দুর্নীতির পরিবর্তে নিকা প্রশাসন, দরিদ্রর বিকাশ, যুবকর কর্মসংস্থাপন আর এক আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশের মাঝেরে আমি আমার অসমক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যত আমি পরিণত করিম। শ্রদ্ধা রাইজ, মই কৃতজ্ঞ অসমিয়াক অনুরোধ করিম সকলে থিয় হয়ে দীঘলিয়া হাত চাপরিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক অভিনন্দন জানক। দীঘলিয়া হাত চাপরি, দীঘলিয়া হাত চাপরিরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়াক অভিনন্দন জানক। মোদী 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 মোদী। শ্রদ্ধা রাইজ, আপনার মই এটাই অনুরোধ করিম, এই অসম মাতৃক আমি বিশ্বর দরবারত প্রতিষ্ঠা করিব লাগিব। আন্দোলন নহয় আমার পরিচয় বিকাশ, ধ্বংস নহয় আমার পরিবেশ সৃষ্টি, আর এই অসমত আমি বিকাশের গঙ্গা আনিম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আশীর্বাদত। পুনর এবার মা কামাখ্যার এই পবিত্র ভূমি, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পবিত্র ভূমি, বরাক ব্রহ্মপুত্রর হারুয়া লোকেরে বরাক ব্রহ্মপুত্রর পবিত্র অন্তরের গড়ি এই অসম, পাহাড় আর ভয়ামর সকলো শ্রেণীর লোকর পবিত্র অন্তরের সৃষ্টি এই মূর পবিত্র অসমর মহান ভূমিলৈ প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আদরণি জানাই মই মোর বক্তব্যর সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহাশয়। দেবীয় সজ্জনো, আজ অসম কে লিয়ে এক ঐতিহাসিক এবং গৌরব কা দিন হ্যায়। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি 11,600 কোটি কে মহত্বাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পো কা লোকার্পণ এবং শিলান্যাস করেঙ্গে। আব মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি সে নিবেদন করুঙ্গি কি ভে কৃপয়া আপনে কর কমলো সে রিমোট কা বটন দবাকর আভাসী রূপ সে ইয় শুভ কার্য সম্পন্ন করেন।
धन्यवाद महोदय। अब इन प्रकल्पों के बारे में हम एक लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। आधारभूत संरचना और यातायात के व्यापक विस्तार, विकास और प्रगति शिखर की ओर यात्रा, यह है सपना हमारे देश के अग्रणी प्रधानमंत्री और एक प्रगतिशील नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके सबल नेतृत्व में संपूर्ण देश के साथ असम और उत्तर पूर्वांचल ने प्रारंभ की है विकास की एक सफल यात्रा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। असम तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धौला खदिया और बोगीबिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ अनुमानित की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत 297 करोड़ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृतकाल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंड्रापुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिश्वनाथ से गोहपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1,451 करोड़ है। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपना बहुमूल्य उद्बोधन देने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूं। भारत माता की, भारत माता की। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, विभिन्न काउंसिल के प्रमुख और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना लोग होको लोके मुरे आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पॉटिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया, जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए, आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। मैं जितना आप सबका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों में मुझे
देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सराहना करता हूं। साथियों, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसका परिणाम आज हम असम के अलग अलग कोनों में भी देख रहे हैं। असम में आस्था, अध्यात्म और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को
आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विरासत को संजोने के इस अभियान के साथ ही विकास का अभियान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। बीते 10 वर्षों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। पहले बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे। हमने आईआईटी, आईआईएम्स, आईआईएम जैसे संस्थानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है। बीते 10 वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। उज्ज्वला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों ने असम की लाखों बहनों बेटियों की गरिमा की रक्षा की है। साथियों, विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा लाभ देश के नौजवानों को हुआ है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार पर्यटन से जुड़े
ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। असम में, नॉर्थ ईस्ट में तो इसके लिए भरपूर संभावनाएं हैं। इसलिए भाजपा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दे रही है। साथियों, बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ? पर्यटन के केंद्र नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत इलाके तो पहले भी यहां थे, लेकिन तब इतने टूरिस्ट यहां नहीं आते थे। हिंसा के बीच, साधन संसाधनों के अभाव के बीच, सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता? आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी, सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुनके जाते थे, उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे उन तक पहुंचने के लिए
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाभ मिला है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य हर नागरिक का जीवन आसान बनाने का है। यही फोकस 3 दिन पहले जो बजट आया है उसमें भी दिखता है। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का संकल्प लिया है। ये कितनी बड़ी राशि है इसका अनुमान एक और आंकड़े से लगाया जा सकता है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, यह आंकड़ा याद रखना मेरे असम के भाई बहन, 2014 के पहले 10 वर्षों में कुल 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रहा। 10 साल में 12 लाख करोड़, यानी जितना पहले की केंद्र सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया था, करीब करीब उतनी राशि हमारी सरकार अगले 1 साल में खर्च करने जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने जा रहा है, और जब इतनी बड़ी राशि निर्माण कार्यों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं, उद्योगों को नई गति मिलती है। साथियों, इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल असम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं, अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहने लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली
एक करोड़ बहने जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई है, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। भाइयों और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके अशांत थे, वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। मैंने कई वर्षों तक असम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है। मैं यहां हर इलाके में घूमा हुआ इंसान, और मुझे याद है उस समय जाने आने में एक रुकावट यह होती थी कि रोड ब्लॉक के कार्यक्रम, बंद के कार्यक्रम और गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है दोस्तों। लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी हथियार छोड़े हैं। देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। कई जिलों में आसपा हटाया गया है। जो क्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे, आज वो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं, और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। साथियों, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरह विकसित होते देख रहा हूं जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। आज नॉर्थ ईस्ट होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। आज यहां साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसके कॉरपोरेशन के तहत भी
अनेक सड़कों को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। आप कल्पना कीजिए, जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। मैं जानता हूं कि असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पूर्वी एशिया जैसा विकास यहां देखे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा को बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है। और आपके सपने पूरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, ये जो भी काम आज हो रहे हैं इनका एक ही लक्ष्य है भारत और भारतीयों का सुखी और समृद्ध जीवन। लक्ष्य है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का। लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। इसमें असम की, नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई। और अब तो मां कामाख्या के आशीर्वाद बहुत बढ़ने वाले हैं। और इसलिए मैं भव्य दिव्य असम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूं। साथियों, आपके सपने पूरे होंगे ये हम अपनी आंखों से देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।